हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेटिव। आज की टॉपिक है पीटीएसए टेम्पलेट, जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं पीटीएसए टेम्पलेट में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पीटीएसए टेम्पलेट कैसा यूज़ करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोग डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों को 20 मिनट्स टाइम रहता है, इससे में 200 to 300 वर्ड्स का आपको दिख रहा है। यू शुड राइट 200 to 300 वर्ड्स, तो आपको मिनिमम 220 वर्ड्स लिखने का है। 230 या 240 भी लिख सकते मैक्सिमम। आप लोगों आपको सेम ऐसा एक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आपको मैं ऐसे कैसा लिखते क्या है, कैसा यूज़ करना टेम्पलेट, इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, मेन इसमें आप लोगों को कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट में आपको कैपिटल लेटर लिखने का है, फिर उसके बाद कॉमा, फुल स्टॉप, और एक एक टॉपिक नेम, और एंड में कीवर्ड्स जो है मेंशन करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसमें आप लोगों को 220 वर्ड्स, और जो आपको टॉपिक दिया वो टॉपिक में कीवर्ड आप लोगों कैसा लिखना है क्या है, मैं ये वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, मेन आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट मेन है फ्रेंड्स। इसमें टाइम मैनेजमेंट कोई है स्टूडेंट्स जो टाइम मैनेजमेंट मेंटेन नहीं करते, जो मतलब 220 वर्ड्स जिसकी टाइपिंग स्लो रहती, वो सिर्फ मतलब टाइपिंग के लिए सोचते रहते वर्ड्स, और टाइम मैनेजमेंट मेंटेन नहीं करते, उसकी वजह से भी उनको टाइम नहीं मिलता। इसमें एस्से में जो है मार्क्स आपको अगर आना है, टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करिए और वर्ड्स 240 वर्ड्स मैक्सिमम लिखिए। और दूसरी बात जो है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतला रहा हूँ कैसा यूज़ करना क्या है टेम्पलेट। देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैं 220 वर्ड्स लिखा। टाइम है आपको और 6 मिनट्स, 6 मिनट्स का आपको जब टाइम रिमेनिंग, आप टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना ज़रूरी है। आप लोगों इसमें कैपिटल लेटर, और जो है आप लोगों स्पेलिंग्स मिस्टेक्स अगर कोई कर रहे तो उस पर भी आप लोगों रिकवर करिए, और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी देखिए। दूसरी बात, आप लोगों को कैपिटल लेटर में जैसे कि स्टेट आ गया, कोई बच्चे का है फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टेट दे दिया, कंट्री का नाम दे दिया, तो नॉर्मल मतलब जैसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, सिर्फ स्मॉल लेटर में लिख देते, नहीं, कैपिटल लेटर में लिखने का है आपको, जो कंट्री का नाम दिया कुछ दिया तो। और दूसरी बात, आपको मेंटेन ये करना है जो आपको कीवर्ड्स मेंटेन, जहाँ 4 to 6 वर्ड आप कीवर्ड्स लिखे हैं। दूसरी बात आपको नहीं है, स्टार्टिंग ये जो टेम्पलेट आप लोग यूज़ करते हैं, ये टेम्पलेट में आप लोग फर्स्ट जो टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम उसका क्या दे रहा है, वो टॉपिक नेम आप लिखे बाद, उसके बाद 4 to 5 6 कीवर्ड्स आप लिखिए। टाइम मैनेजमेंट मेन है, इस टेम्पलेट को यूज़ करिए आप लोग ऐसे टॉपिक को। अब मैं अभी लिखा और 5 मिनट्स का टाइम है, इसमें मैं पूरा देख लिया टाइम, ये जो मैं स्पेलिंग्स और दूसरे, अब अभी चेक करेंगे अपन इसके मार्क्स क्या आ रहे, क्या है टोटल मार्क्स। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ सबमिट पे। आप लोगों के सामने कंटेंट 3, ग्रामर 2,
टोटल 15 में से मेरे को 13 मार्क्स आए। जिधर मैं स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, आपको ये जो दिख रहा ब्लू कंसेन का यहाँ रॉन्ग लिखा मैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की स्पेलिंग इधर मैं रॉन्ग लिख गया। दूसरी बात आप चेक करिए, और ये मेनी सपोर्ट्स लिखने का मैं मेनी सपोर्ट लिखा। आप लोग देख सकते हैं मेरे को आउट ऑफ 15 में कितने मार्क्स आए, 13 मार्क्स आए। आप लोग ये टेम्पलेट यूज़ करिए एज इट इज़। मैं जो गलती अभी करा, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स, आप लोग मत करिए। और आपको कैपिटल लेटर का मैं जो बोला, स्टेट जो कंट्री का नाम आ रहा, वो कंट्री का नाम आप फर्स्ट स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लिखिए। और टाइम मैनेजमेंट मेन है इसमें। आप लोगों को अगर ये टेम्पलेट, ऐसे राइटिंग टेम्पलेट यूज़ करिए और इसमें अच्छे मार्क्स अचीव करना है तो एज इट इज़ ये टेम्पलेट यूज़ करिए। जैसा मैं अभी लिखा हूँ वैसे एग्ज़ाम में फॉलो करिए, आप लोग वहाँ PET इससे टेम्पलेट में गुड मार्क्स अचीव कर सकते हैं।